27 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से नई संसद का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही भारत की एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। ये परंपरा सेंगोल यानी राजदंड की है, जिसे नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। आज़ादी के 75 साल बाद वो सेंगोल एक बार फिर संसद की गरिमा बढ़ाएगा। संसद भवन के लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए आदिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला हुआ है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल करीब 5 फीट लंबा राजदंड है। चांदी के बने सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। इसके ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों से भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो सेंगोल ही सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए, तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर पूछे गए लॉर्ड माउंटबेटन के सवाल को नेहरू जी ने सी राजगोपालचारी के सामने रखा। राजगोपालचारी ने गहन विचार के बाद सिंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया, जो कि चोल साम्राज्य के दौरान एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता था। सिंगोल राजदंड चोल सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। अब सत्ता हस्तांतरण के लिए उसी सिंगोल का इस्तेमाल किया जाना था। तमिलनाडु के थ्रिवदुथुराई मठ के आदिनम पुजारियों ने सिंगोल बनाने का दायित्व स्वीकार किया। आदिनम ने मद्रास के मशहूर स्वर्णकार वुमीडी इथराजुलू को सिंगोल तैयार करने का काम सौंपा। सिंगोल बनाने के समय को याद करते हुए वुमीडी इथराजुलू कहते हैं, किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी, जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के लिए इसी सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। 1960 के दशक में ये सेंगोल प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया था, जो अब दिल्ली के नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।